एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक फिर से एक ब्यूटीफुल सा, एक क्यूट सा एंड अफोर्डेबल मेकअप लुक। एस फ्रेंड्स, ये मेकअप लुक जो है मैंने किया है बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ही मैंने किया है। मतलब थोड़ा इधर उधर कर ना मैंने ये मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है। ये ब्राउन कलर का न्यूड मेकअप लुक जो है मैंने आज क्रिएट किया है। एंड चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में जो है वो है मूव ऑन करते हैं। वीडियो में मूव ऑन करने से पहले आपको करना है बस दो ही काम। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन को भी ऑन करना है, क्योंकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। और कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनीशा स्टाइल्स। एंड चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के लिए वीडियो में मूव ऑन हो जाते हैं। तो पहले हम लोगों को करना चाहिए मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के पहले आपको करना है अच्छे से फेस वॉश एंड उसके बाद कौन सा भी अच्छा सा टोनर अप्लाई कीजिए। एंड उसके बाद अप्लाई करना होगा मॉइस्चराइज़र। कौन सा भी अच्छा फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो तो आप वही अप्लाई कीजिए। बारी आती है लिप बाम की। लिप बाम मस्ट एंड शुड अप्लाई करना ही चाहिए। इसके बाद बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर भी हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि हमेशा प्राइमर जो है वो अपने स्किन के, मतलब स्किन टोन के हिसाब से आपको लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्राइमर लेती हूँ। बाद बारी आती है फाउंडेशन की। आप चाहो तो आप फाउंडेशंस का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स, नहीं तो आप ऐसा एनवाईपी का आपका स्टिक्स जो मिलता है ना, वही भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्ट करेक्टर और कॉन्टर स्टिक, मतलब पूरा एक में ही आपको मिल जाएगा। आप इसे आराम से यूज़, इसको हम ब्लेंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द वेट ब्यूटी ब्लेंडर। आपको ब्यूटी ब्लेंडर जो है अच्छे से वेट कर लेना चाहिए एंड उसके बाद आपको अच्छे से डैप करना चाहिए। ऐसे आपको रगड़ना नहीं है, ओनली विद द हेल्प ऑफ डैबिंग मोशन से अच्छे से आपको डैप कर लेना चाहिए। आपको सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपको इधर 4-in-1 आपको मिल जाएगा। इधर आपको फाउंडेशन मिल जाएगा, कंसीलर मिल जाएगा, कॉन्टोर एंड कलर करेक्टरिस्टिक। आपको सेपरेट से इन सबको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है एंड पूरी तरह से आपको इसी में ही आपको मिल जाएगा। एंड मैंने ब्लेंड किया है बहुत अच्छी तरह से, ये ब्लेंड भी हो चुका है। बारी आती है लूज़ पाउडर की, क्योंकि इस मेकअप को जो है हमको अच्छे से सेट करना है, बेस जो है अच्छे से सेट करना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लूज़ पाउडर। एंड आप चाहो तो आप कौन सा भी अच्छा लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ विथ SPF। बहुत अफोर्डेबल लूज़ पाउडर है ये, बहुत अच्छा दिखेगा अपने फेस पर। मैं जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब से मैं इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है। एंड टिल अब तक मैं उसे यूज़ कर अपना बेस जो है वो अच्छे से सेट कर लिया है। एंड उसके बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि ये लियोन ब्यूटी का 9 Color HD पैलेट। ये कुछ ऐसा दिखता है इन द शेड 4। एंड इसमें से मैं ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ, जो है मैं पिक कर रही हूँ, थोड़ा सा लूँगी इस कलर को। लाइटली मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्रोस पर, ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी। स्पूलिंग ब्रश की मदद से मेरे ब्रोस को जो है वो अच्छे से एक शेप दूंगी। बहुत एक नेचुरल से दिखेंगे अपने आईब्रोज। एंड आप चाहो तो आप ब्लैक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल कर अपने आईब्रोज को जो है वो है अच्छे से शेप दे रही हूँ।
बाद बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर फिर सेम यही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड क्योंकि मैं यहाँ पर ब्राउन कलर का न्यूड आई लुक जो है वह क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं यही पैलेट में से ही मैं अपना आई मेकअप जो है वह कंप्लीट दिखाऊंगी। यहाँ पर पिक करूँगी ये लाइट कलर, क्योंकि हमेशा हम आई मेकअप जो कर रहे हैं ना, तभी हमें लाइट कलर से ही हमें आई मेकअप को है स्टार्ट कर लेना चाहिए। डायरेक्ट आपको डार्क कलर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। इधर देखिए मैं आप यहाँ कैसे दिखाती हूँ, मैं इधर ये कलर ले रही हूँ, एंड ये कलर को ना मैं अपनी पूरी आईलिड पर मैं ये लाइट कलर जो है वो अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड इधर आपको जो है ब्लेंडिंग ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कैसा आपका आई शेडो ब्लेंड कर रहे हो तो उतनी अच्छी तरह से आपका आई मेकअप जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा, एकदम परफेक्ट दिखेगा। मैं यहाँ पर ये कलर जो है ये पिक कर रही हूँ, ये भी थोड़ा सा मतलब डार्क कलर है, पूरा सा डार्क नहीं थोड़ा सा डार्क। एंड ये जो है मैं अपना इनर आईलिड पर अप्लाई करूँगी, मतलब पूरा नहीं ओनली हाफ ऑफ द आईलिड पर जो है वह अप्लाई कर। जो है मैं फिर से ये कलर पिक कर रही हूँ, ये कलर जो है मैं अपने आउटर वी पर अप्लाई करूँगी। ये बहुत डार्क ब्राउन कलर है, मैं इसे थोड़ा सा अप्लाई करती हूँ ओनली, मैं यहाँ पर ही अप्लाई कर रही हूँ अपने इधर वी शेप में जो होता है ना, इधर हमारा पार्ट इधर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब पूरी आईलिड पर जो है मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ओनली इधर आउटर वी पर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है काजल की। काजल के लिए आप कौन सा भी अच्छा काजल यूज़ कीजिए, मैं यहाँ पर डेजल का काजल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर काजल जो है वो है अप्लाई कर लिया है, एंड बाद आती है मस्कारा की। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर डेजल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप कौन सा भी अच्छा मस्कारा यूज़ कर सकते हो। एंड मस्कारा ना आपको अच्छे से 2 to 3 कोट्स जो है वो है अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपने लैशेस पर। एंड मैं यहाँ पर फेक लैशेस जो है कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मस्कारा जो है वो है काफ़ी है, एंड आपको अप्लाई करना हो तो अब लैशेस जो है वो है वेरी। बारी आती है ब्लश की। ब्लश के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का पैलेट इन द शेड 01। इसमें से मैं यहाँ पर ये 2 शेड्स ना ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छा एक पिगमेंटेड कलर जो है वो है आपको मिलता है। एंड हमेशा ब्लश लगाते वक्त ना आपको ऐसा ऊपर की तरफ जो है आप लिफ्ट कर लगाना है, थोड़ा सा ऐसे नोज पर भी। मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर भी मैं इसी पैलेट में से यूज़ करूँगी, ये नहीं तो ये दो में से कौन सा एक कलर जो है मैं अपना हाइलाइटर के लिए ले रही हूँ। फ़िलहाल मैं ले रही हूँ कि ये कलर, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में है, देखेंगे ये हाइलाइटर के लिए कितना काम करेगा, बहुत अच्छा ही है। एंड मैं जहाँ जहाँ पर आपको हाइलाइटिंग पॉइंट सिखा रही हूँ आपको वहाँ वहाँ आपको हाइलाइटिंग करना ज़रूरी है। और फाइनल जो बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर एस्टे क्वेरी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड T01। एंड ये कुछ लिक्विड लिपस्टिक है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत क्यूट सा, बहुत छोटू सा, मुझे ना बहुत अच्छा लगा है।
फाइनली मैंने अपना लिपस्टिक जो है वो है अप्लाई कर लिया है। अब आप देख सकते हो इसका कलर, एंड मुझे ये लिपस्टिक जो है वो बहुत अच्छा लगा है। मैंने इसे पर्पल से जो है मैंने परचेस किया है, मतलब यूज़ नहीं किया, मतलब दो तीन बार इसे यूज़ किया है, एंड मैंने कभी भी आपको लगाकर ना आपको दिखाया नहीं है। ये फर्स्ट टाइम मैं इधर लगा रही हूँ ये लिपस्टिक को, एंड इसमें बहुत शेड जो है वो है अवेलेबल है, आप चाहो तो आप परचेस भी कर सकते हो। एंड मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड इसका शेड है कि T01, एंड इसमें स्मेल भी जो है वो बहुत एक फ्रीग्वेंस स्मेल आती है इस लिपस्टिक में, एक छोटा सा लिपस्टिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड मैंने अपना लिपस्टिक कलेक्शंस में भी इसे मैंने दिखाया है, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक जो है वही डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर ने चेक कर करना। दिस वॉज माई फाइनल लुक। मैंने यहाँ पर सिंपल सा हेयर स्टाइल जो है वो है किया है, एंड आप चाहो तो आप कर्ल्स भी कर सकते हो, नहीं तो आप बाल ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप बफ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको कौन सा भी अच्छा हेयर स्टाइल हो तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल जो है वो आपको दिखा रही हूँ। एंड स्पेशली मुझे लिपस्टिक जो है वो बहुत अच्छा लगा है इसमें। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, या मेरा लुक जो है आपको पसंद आया हो तो, या थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो में, वीडियो पर ज़रूर सा एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हो तो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो, पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कि अनिशा स्टाइल्स। एंड आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो मुझे इधर भी आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर, बाय।